गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HH लखनऊ व्लॉगर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो है सोया चंक मंचूरियन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि समय लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी मार्केट नहीं खुली हुई है, हम लोग कुछ भी बाहर से नहीं ला सकते, तो चलिए कुछ अच्छा घर में ही ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सोया चंक्स ले लिए, आप किसी भी ब्रांड के सोया चंक्स ले सकते हैं। और मैंने उसको यहाँ पे पानी बॉईल करके, ये 2 कटोरी के करीब सोया चंक्स हैं, मैंने इनको बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है और मैंने इसमें नमक भी मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं इसको किसी अलग कटोरी में, आप इसको या कटोरे में निकाल सकते हैं, फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, 15 मिनट्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं मेरे सोया चंक्स अच्छे से फूल चुके हैं। हमें इनका पानी दबा दबा के नहीं निकालना है, बस इस तरीके से पानी जितना है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। अब हमने इसको एक बाउल में रख लिया है, मिक्सिंग बाउल में। अब देखिए मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स क्या लिया है, मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम चाट मसाला है, 2 चम्मच मेरे पास मैदा है और ये मेरे पास 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पिसी हुई है। अब ये सब मैं इसमें डाल के मिक्स करूंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास इन जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 1 टीस्पून के करीब, वो भी डाल दूंगी। और मैं इसमें 2 टीस्पून के करीब दही डाल के इसको मिक्स करके 15 मिनट्स के लिए रख दूंगी, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, 15 मिनट्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मेरा ये अच्छे से इसके अंदर सोक हो गया है, जो मैंने मटेरियल इसमें डाला था। और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च काट ली है, बड़ी बड़ी सी चॉप कर ली है, और यहाँ पे मैंने ये प्याज को एक एक करके अलग कर दिया है। अब हमें इसको फ्राई करना है, सोयाबीन को एक एक करके। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है और मैंने यहाँ पे ये मंचूरियन को भी फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें कटा लहसुन, अदरक, प्याज और शिमला मिर्च को डाल के हल्का सा सॉटे करूँगी। फ्रेंड्स, ये सॉटे हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब टोमेटो सॉस डालूंगी और 2 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे सोया सॉस डालूंगी। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये 2 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर को घोल के रख लिया है, वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। अब अच्छे से इसको चलाओ। फ्रेंड्स, आपको जितना इसमें पानी ऐड करना है वो भी आप डाल दीजिए। और देखिए, हमारी मंचूरियन बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी सी सोया चंक मंचूरियन बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है और ये खाने में वाकई में बहुत टेस्टी हुई है। तो फ्रेंड, एक बार आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।